कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कांगड़ा जिला प्रशासन को एक पेशकश की है, जिसमें सुधीर शर्मा ने अपने धर्मशाला के रक्कड़ स्थित आवास में एक फ्लोर को कोविड केयर सेंटर बनाने की बात कही है। इस संबंध में सुधीर शर्मा की ओर से लिखित प्रपोजल पत्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर रखे लेटर बॉक्स में डाला गया। प्रपोजल पत्र में सुधीर शर्मा ने कहा है कि उनके आवास का एक फ्लोर जिसमें करीब 50 मरीजों के रखने की व्यवस्था हो सकती है तथा मरीजों के खाने का खर्च वे स्वयं वहन करेंगे। सुधीर शर्मा के प्रपोजल को लेकर उपायुक्त कार्यालय परिसर पहुंचे कांग्रेस नेताओं में आरपी चोपड़ा, नगर परिषद की पूर्व मेयर एवं वर्तमान पार्षद रंजनी व्यास, जिला परिषद सदस्य निशा चौधरी, जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष अक्षित मैणी, कोतवाली बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र जम्वाल सहित अन्य नेताओं ने बताया कि पिछले वर्ष भी सुधीर शर्मा ने कोविड मामले सामने आने के बाद लोगों को घर घर जाकर अनाज बांटा था, साथ ही पशुओं के लिए तोड़ी की व्यवस्था भी करवाई थी। अब फिर से मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए पूर्व मंत्री ने अपने आवास की एक मंजिल कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध करवाने की पेशकश की है। सुधीर शर्मा जी की तरफ से, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से एक प्रपोजल उन्होंने रिटर्न दिया है, साइंड बाय सुधीर शर्मा जी, कि अगर कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं और कई बार जगह की कमी हो जाती है, तो उन्होंने प्रपोजल दिया है कि मैं अपने घर को, जो रक्कड़ में स्थित है, आप सभी जानते हैं, उसका जो फर्स्ट फ्लोर है उसको मैं कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए तैयार हूँ, और उस कोविड केयर सेंटर में 50 बेड की व्यवस्था की जाएगी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो लेटर में भी क्लियर कट लिखा है, कि जो भी सुविधा की जरूरत होगी, उनको खाना देना है, फ्रूट देना है, दवाई की जरूरत है, रिक्रिएशन चाहिए, वो सारी की सारी सुविधाएं वहाँ पर सुधीर शर्मा जी प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पर सारा कुछ, जो आपको बेड चाहिए और खाने के लिए व्यवस्था की जाएगी, और पर उसके लिए कम से कम 10 दिन का नोटिस हमें देना पड़ेगा। जिला प्रशासन को 10 दिन पहले ये बताना पड़ेगा कि आज जैसे 25 है तो हम 4 तारीख को शुरू कर रहे हैं, उससे पहले जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है एज पर द SOPs, जो मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको पूरा ध्यान में रखते हुए अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं करेंगे, जो SOPs होंगे उसको हम उसको फॉलो करेंगे, ताकि मरीजों को भी सुविधा हो और पब्लिक को भी सुविधा हो। AICC के सचिव एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि जब से देश में कोरोना की दूसरी लहर आई है, तब से बड़ी ही तेजी से पूरे देश में संक्रमण के मामले फैले हैं। हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है, और जो संसाधन प्रदेश सरकार के पास हैं उनमें भी कमी आई है। ऐसे में हमारा ये प्रयास है कि हमारे प्रयास से जो संसाधन और पीड़ितों को सहायता उपलब्ध हो सकती है उसे उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने बताया कि इसके बारे में बैठकर निर्णय लिया गया है कि यदि उनके परिसर को भी कोविड मरीजों के रखरखाव के लिए काम में लाया जा सके तो ये अच्छा होगा। इस संबंध में प्रशासन को एक पत्र लिखा है, और यदि आप इसे आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सारी सुविधाएं यहां उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि लोगों के रहने व खाने का खर्च वे खुद वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ने में खुलकर आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर इस महामारी के खिलाफ लड़ने में हम सफल होंगे। जब से देश में कोरोना की दूसरी वेव आई है, तब से हमने ये देखा है कि बड़ी तेजी से कोरोना जो है वो पूरे देश के अंदर फैल रहा है, और हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। और जितने साधन संसाधन सरकारों के पास हैं, न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि बाहर भी, वो भी कोरोना महामारी के चलते कहीं ना कहीं उनमें भी कमी आई है। ऐसे में हमारा ये प्रयास है कि जो भी हमारे पास साधन हैं, जितना भी बन सकता है, वो हम अपने समाज के लिए दें, लोगों के लिए दें जो पीड़ित हैं, और इस समय हमको एक परिवार की तरह इस महामारी से लड़ना है इकट्ठे होकर के। तो ये निर्णय लिया सभी लोगों ने मिलकर के कि जो हमारे पास जगह उपलब्ध है, चाहे वो अपने प्रेमिसेज हैं या घर है, वो हमने प्रशासन को लिखा है कि अगर आप उसको आइसोलेशन सेंटर या कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो वो सारी सुविधा हम वहाँ पर देंगे, और जो भी वहाँ पर लोगों के रहने का, खाने का, बाकी व्यवस्था जो होगी उसका खर्चा भी स्वयं वहन करेंगे। और ऐसे ही मुझे लगता है कि
बाकी लोग भी खुल करके अगर सामने आएंगे तो हम इस महामारी से लड़ने में जल्द सफल होंगे।